प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, और क्योंकि आज थोड़ा पहले बुलाया गया था और लगता है कि सारे लोग याद नहीं रख पाए होंगे, थोड़े लोग ही आज इकट्ठे हैं शुरू में, पर धीरे धीरे वे आ जाएंगे। इसलिए आज हम लोग वचन में आगे बढ़ते हैं और कई बातों को हम लोग सीखेंगे। एक संदेश हमने पिछले समय में सीखा था, मैं उसी को थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ क्योंकि उसकी आवश्यकता हमारे बीच में है और हम लोग उसको जानने के लिए प्रेरितों के काम की पुस्तक जाएंगे और उसके अध्याय 4। प्रेरितों के काम की पुस्तक और अध्याय 4, हम लोग इस समय अर्थात अभी जिस समय हम लोग हैं 2019 में, जब कलीसिया की स्थिति है तो हम लोग उस कलीसिया को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो जब भी हो तो कई प्रकार के लोग मिलेंगे, जो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो उसको एक पीढ़ी पहले जैसी थी वैसी देखना चाहते हैं, मतलब जैसे परंपरा चले, उनकी दृष्टि ज़्यादा पीछे तक नहीं जाती है। हम लोगों को जो सौंपा गया और हमने पिछली पीढ़ियों में जो देखा है वो कंटिन्यू होता रहे, बाकी सबसे मतलब है। अब कुछ लोग उससे थोड़ा और पीछे देखते हैं, 100-200 साल पीछे जाते हैं, कुछ लोग और पीछे जाते हैं, 500 साल पीछे जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को वास्तविकता देखना है कि आरंभ में कैसा था और कलीसिया की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो हम लोगों को सीधे सीधे प्रेरितों के ज़माने में जाना पड़ेगा कि जिस समय पेंटिकोस्ट का दिन आ गया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उसके बाद वे पवित्र आत्मा से भर करके वहाँ पर सेवा करने लगे, कलीसिया स्थापित हो गई और लोग वहाँ पर भीड़ की भीड़ उसमें शामिल होने लगे, तो उस समय कलीसिया की स्थिति किस प्रकार से थी। आरंभ में कलीसिया बहुत अच्छी अवस्था में थी और हमेशा हम लोगों को अपनी तुलना उसी से करनी चाहिए, और अगर वैसा नहीं पाते हैं तब तो कुछ सुधार करना चाहिए। कलीसिया ने क्या किया, उसने वहाँ से अपने आप की तुलना नहीं की, उसने अभी जैसा था उसको हैंडओवर किया गया, वैसे उसने हाथों हाथ ले लिया और जैसी परिस्थिति थी उसमें उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, संतुष्ट हो गए। पिछली बार हम लोग सुन रहे थे, हम लोगों को कभी संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हम जो हैं उतने में संतुष्ट हो गए, लेकिन आत्मिक रूप से वो बातें आनी चाहिए जो आरंभ में थी। और इसलिए बार बार मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पहली कलीसिया के विषय में जाकर पढ़ूं और लोगों को बताऊं और उनको उकसाऊं कि देखो ऐसा था और हमारे समय में ऐसा नहीं है। तो उस समय बहुत सारी विशेषताएं थी, हम लोग सारी विशेषताओं का एक बार यहां पर जिक्र करेंगे और फिर एक विशेषता के पक्ष में हम लोग जाएंगे। हम लोग 4 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके पद 32 से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर कलीसिया में जो लोग थे विश्वास करने वाले, उनके विषय में ऐसा लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ एक विशेषता दी गई है कलीसिया के बीच में और यह बताया गया है कि उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। तो जो आरंभिक कलीसिया थी उसमें विशेषता एक दी गई है यहाँ पर 34 के पहले वाक्य में कि उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। तो शुरू में तो लगेगा कि कलीसिया शुरू हो रही है, थोड़े लोग हैं तो जाहिर है कि दरिद्र नहीं होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़े लोग नहीं थे, वहां पर काफी सारे लोग थे। अगर 4 अध्याय उसके पद 4 को हम खोलकर देखें तो वहां पर लिखा है कि वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो जो पुरुषों को गिना गया तो उनकी गिनती 5,000 थी, स्त्रियों को नहीं गिना गया ना। उस जमाने में स्त्रियों को पता नहीं क्यों नहीं गिनते थे, शायद उनको गिनना अच्छा नहीं माना जाता होगा, स्त्रियों को गिन रहा है तो पुरुषों को गिन लेते थे। और आप 5 रोटी 2 मछली से जो 5,000 की भीड़ को खिला, 5,000 की भीड़ नहीं थी, 5,000 पुरुष थे।
पुरुषों को गिनते थे। तो यहाँ पर इनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई, मतलब स्त्रियों की संख्या भी लगभग उतनी ही होगी या उससे ज्यादा होगी, ज्यादा ही रहती। तो कम से कम 10000 की भीड़ कलीसिया में है, और कलीसिया में पता नहीं किस किस बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, और 10000 लोगों की भीड़ है, कम से कम 10000, उससे ज्यादा ही है। और उनके विषय में ये साक्षी दी जाती है कि उनमें से एक भी दरिद्र नहीं था 10000 लोगों के बीच में। अभी हम लोग कलीसिया के सर्वे कर लेंगे, नगर शहर में सर्वे कर लेंगे, तो शायद हम लोगों को लगेगी हाँ हमारे भी 10000 में कोई दरिद्र नहीं। थोड़ा सा गांव की तरफ रुक कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कोई है कि नहीं। तो एक गुण जिसको स्पष्ट रूप से नोट करके लिखा गया है, उनमें से कोई भी दरिद्र न था। ये थी पहली कलीसिया की विशेषता। दूसरी विशेषता को हम लोग 5वें अध्याय उसके पद 16 को पढ़कर देखेंगे, और वहां पर इस बात को लिखा गया कि पतरस जो था और जितने प्रेरित थे वे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ चलते थे, और लोग चंगाई पाने के लिए उनके पास आते थे। और यहाँ लिखता है यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तो जितने बीमार होते थे और जितने दुष्टात्मा ग्रस्त होते थे उनको वहां पर ला कर इकट्ठा किया जाता था, और वहां वचन लिखता है कि सब अच्छे कर दिए जाते थे। तो जो बीमार रहते थे वे तो बाहर से आते थे और आकर के ठीक हो जाते थे। तो जो पहले से विश्वासी लोग हैं तो जाहिर है कि वे तो ठीक ही हो गए हैं। तो कितने विश्वासी बीमार रह गए? एक भी नहीं। सब जब अच्छे कर दिए जाते थे तो कितने बीमार बच गए? एक भी नहीं। जब सारे दुष्टात्माग्रस्त छुटकारा पा गए तो कितने दुष्टात्माग्रस्त रह गए? एक भी नहीं। तो जो शुरुआत की कलीसिया थी उसमें एक भी दरिद्र नहीं था, उसमें एक भी बीमार नहीं था, उसमें एक भी दुष्टात्माग्रस्त नहीं था। तो हम लोग गरीबी का सर्वे कर रहे थे, 10000 में गांव जाना पड़ रहा था गरीब ढूंढने के लिए, अब शहर में ही सर्वे कर लेते हैं, 10000 की भीड़ कम से कम लीजिए कलीसिया, और उसमें गिन लीजिए कितने लोग बीमार हैं और कितने नहीं, है ना? किसी को बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को क्या है, किसी को क्या। 10000 में आधे से ज्यादा हाथ उठ जाएंगे बीमार लोगों के। लेकिन जो उस समय कलीसिया थी उसकी विशेषता यह बताई गई कि उसमें से एक भी व्यक्ति बीमार नहीं था, क्योंकि सब अच्छे कर दिए जाते थे। वहां सब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब वहां पर लिख के सब अच्छे कर दिए जाते थे तो एक भी नहीं छूटा जो बीमार रह गया। अभी हम लोग तुलना करके देखेंगे अपने साथ में। उस समय एक भी निर्धन नहीं था, अभी कलीसिया बड़ी हो गई और बहुत सारे लोग निर्धन हो गए। उस समय एक भी बीमार नहीं था, सब अच्छे कर दिए जाते थे, अभी बहुत सारे बीमार रह गए। उस समय एक भी दुष्टात्माग्रस्त नहीं था, सब छुटकारा पा लिए थे, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी दुष्टात्माओं से लड़ रहे हैं। ये विशेषता थी। तो सोचिए कहां पर थी कलीसिया, करते करते हम लोग कहां पर नीचे उतर आए। तो अगर हम लोग फिर से चाहते हैं कि कलीसिया उस स्थिति को प्राप्त करे, हम लोग फिर से उस आनंद को प्राप्त करें, तो हम लोगों को उठकर खड़ा होना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए, और उसके लिए वचन ही एकमात्र माध्यम। क्योंकि जब हम वचन को समझते हैं, वचन को हम लेते हैं और उसके लिए लालसा करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें वहां पर ले जा सकता है, और नहीं तो पवित्र आत्मा हमें वहां पर नहीं ले जा सकता है। पिछले 2000 सालों में कलीसिया ने जिस कमी को देखा वो वचन की ही कमी थी। उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस समय के वातावरण। तो पवित्र आत्मा इस धरती पर रहते हुए भी उन लोगों को उस स्थिति में नहीं ले जा पाया। लेकिन अभी परमेश्वर का वचन फिर से बांटा जा रहा है, फिर से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, फिर से खोल कर देख रहे हैं, तो अब पवित्र आत्मा हमारे बीच में उस रीति से काम कर रहा है कि हम लोगों को वापस वहां तक ले जाए। हम लोगों ने इस बात को पहले ही सीखा है कि हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से अधिकार दिए गए, और जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे अधिकार परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो परमेश्वर जब भी काम करता है तो उस अधिकार के तहत ही काम करता है। इस पृथ्वी पर भी जब उसको काम करना होता है तो अधिकार के तहत काम करता है। हमारे आपके जीवन में काम करना होता है तो आपके अधिकार के तहत काम करता है। आप उसको परमिशन देंगे तभी जाकर वो काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। पवित्र आत्मा के काम करने के स्टाइल ऐसे ही है। तो जब लोगों के पास वचन का अभाव था, लोग परंपरा के हिसाब से चल रहे थे, अपने आप को एडजस्ट करके रखे हुए थे, तब उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का विरोध था। क्योंकि पहली कलीसिया में जिस प्रकार से थी, वहां जाने के लिए पवित्र आत्मा अगर उनको ले जाना चाहे तो कहीं ना कहीं यहाँ उस समय के लोग रुकावट बन रहे थे। पवित्र आत्मा उनको नहीं ले जा पाया, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने बनाए हुए अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।
सो अभी प्रभु चाहता है कि हम लोग वापस उस अवस्था को प्राप्त कर जाए, तेजस्वी हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों को उस वचन को ले लेना पड़ेगा ना, उस मानसिकता को ले लेना पड़ेगा जो पवित्र आत्मा का समर्थन करती है, जो उसके साथ तालमेल वाला विचार है, और हर एक वो विचार जो उसके विरुद्ध में है, जो उसको कार्य करने में बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे हर एक विचारों को नकार देना पड़ेगा वचन से, और तब जाकर पवित्र आत्मा हमको फिर से उस स्थिति में ले जा सकते हैं, और तब जाकर हम लोग फिर से उस अवस्था को आनंद उठा सकते हैं जैसे पहली कलीसिया में थी। कम से कम तीन हम लोगों ने यहां पर पढ़ा, उनमें से एक भी दरिद्र नहीं था, उनमें से एक भी बीमार नहीं था, उनमें से एक भी दुष्ट आत्मा का सताया हुआ नहीं था, सब छुटकारा पाए हुए लोग थे। इसके अलावा एक और बड़ी बात वहां पर पद 13 में है, जो यहां पर लिखी गई है, 5:13 लिखता है, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। तो वहां पर लिखता है कि लोग उनकी बड़ाई करते थे, मैं आखिरी लाइन के बारे में कह रहा हूं, औरों में से अर्थात ये वो लोग थे जो कलीसिया के बाहर वाले लोग थे, क्योंकि अगर आप 12 पद को पढ़ेंगे, पद 12, तो आपको पता चल जाएगा कि औरों का मतलब क्या है। लिखता है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से, मतलब एक तरफ प्रेरित है और वो लोग हैं जो उनके पास इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको कह दिया जा रहा है औरों में से, मतलब वो कलीसिया के बाहर वाले लोग हैं। तो कलीसिया के बाहर वाले लोग हैं उनके विषय में कहा जा रहा है कि तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे, वे बाहर वाले जो कलीसिया के भीतर वाले थे उनकी बड़ाई करते थे, मतलब जो कलीसिया के बाहर वाले थे उनकी नजर में ये लोग आदर के पात्र थे, इनके बीच में ऐसी विशेषता पाई जाती थी कि वे लोग अपने आप को तारीफ करने से नहीं रोक पाते थे, और कहते थे कि देखो होना चाहिए तो उनके जैसा होना चाहिए, सचमुच परमेश्वर उन्हीं के साथ में है, इस प्रकार से लोग उनकी बड़ाई करते थे। और एक और विशेषता हम लोगों ने यहां पर पढ़ी इसी पद 12 में, लिखता है कि वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, और पद 32 में भी हमने पढ़ा था विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, वे लोग एक चित्त और एक मन के थे, उनकी बड़ाई होती थी। ढेर सारी विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं, उसमें से हम लोग फिर से एक बार लिस्ट बनाते हैं, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था, कोई भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त नहीं था, लोग उनकी बड़ाई करते थे, वे एक चित्त होकर रहते थे, एक मन या एक चित्त के थे। ये विशेषता शुरुआत की कलीसिया में थी, और जब इतनी विशेषता थी तो ये विशेषता काफी है किसी भी अन्य जातीय व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को खींचने के लिए जो कलीसिया के बाहर का है। यीशु मसीह जब सेवकाई करते थे तो क्यों भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चली आती थी? क्योंकि यीशु मसीह के पास कुछ आकर्षण था, यीशु मसीह के भीतर ऐसा कुछ था जो लोगों को खींचता था, तो लोग बड़ी भीड़ की भीड़ लगाकर उसके पीछे चले आते थे, और वे लोग आकर इकट्ठे हुआ करते थे, और उसके बाद यहां तक यहूदियों को जलन हो जाती थी कि सारा संसार उसके पीछे हो लिया है, यहूदी लोग उसके पीछे हो लिए, अगर ऐसा हो गया तो रोमी हमारी जाति और जगह पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा सोचने लगे। क्यों यीशु के पीछे लोग हो लिए थे? क्योंकि यीशु के पास कुछ आकर्षण था। क्या आकर्षण था? वो लोगों को बीमारियों से चंगा कर देता था, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे देता था, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर देता था, उनको ऐसे वचन बताता था जो लोगों ने पहले कभी नहीं सुने थे, उनको परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने का मौका देता था। बहुत सारी चीजें थी यीशु मसीह के पास जो लोगों को खींचती थी। फिर जब यीशु मसीह चले गए तो उसकी देह रह गई कलीसिया, तो कलीसिया के पास वही आकर्षण बरकरार था शुरुआत में। कोई निर्धन नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई दुष्ट आत्माग्रस्त नहीं था, और जो लोग ऐसे होते थे वे आते थे और छुटकारा पाते थे, उनकी बड़ाई होती थी, मतलब उनका जो चाल चलन भी रहा होगा वो भी इतना अच्छा होगा कि लोग उनकी तारीफ करते थे। यीशु मसीह ने उनको सिखाया था कि तुम कैसे व्यवहार करोगे, पहाड़ी उपदेश आप जानते हैं, उसने उनको बताया था कि तुम कैसे कैसे तुम व्यवहार करोगे, उसने अपने चेलों से कहा था कि जो बड़ा होना चाहे वो सबका दास बने, और जो कुछ सिखाया गया था प्रेरित उसको जितने विश्वास करने वालों के मंडली आते थे सबको सिखाया करते थे, तो लोगों ने बकायदा उसको सीख लिया, और इतना अच्छा सीख लिया कि लोग जो थे बाहर वाले वे लोग उनकी बड़ाई करते थे। अब बाहर वाले अगर बड़ाई कर रहे हैं तब तो वे जरूर अंदर आ जाएंगे, हालेलुया।
वे जरूर अंदर आ जाएंगे और ऐसा ही होता था। पद 14 क्या कहता है, आइए हम लोग एक साथ इसको पढ़ें। 1, 2, 3 विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, है ना। विश्वास करने वालों में से जो बहुत सारे स्त्रियां और पुरुष प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, मतलब यहां कुछ ऐसा आकर्षण था कि वे लोग अपने आप को रोक कर नहीं रख पाते थे, वे चले आते थे और कलीसिया में मिल जाते थे। वो आकर्षण उनको खींच लाता था, उनकी जरूरत उनको खींच लाती थी और कलीसिया के भीतर आकर उनकी जरूरत उनको पूरी हो जाती थी। वे यहां आकर तृप्त हो जाते थे, वे यहां आकर परमेश्वर को पा लेते थे। बाहर से जब देखते थे तो उनको मालूम रहता था कि परमेश्वर इन्हीं के साथ में है, और जब वे अंदर चले आते थे तब वे भरपूर हो जाते थे। फिर जो बाहर रह जाते थे फिर वे बड़ाई करते थे, फिर वे आ जाते थे, है ना। इस प्रकार कलीसिया फैलती चली गई। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ेंगे तो कलीसिया इसी प्रकार से उन्नति करती चली गई, बड़ी संख्या में लोग मिलते चले गए और उनकी उन्नति होती चली गई। और अभी की स्थिति यह है कि हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत आयोजन करते हैं, बहुत तामझाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और उसके बाद जो उसका परिणाम निकलता है हम लोग उसका आकलन करना चाहिए कि उससे क्या क्या परिणाम निकला, कितने नए विश्वासी आए। जितने भी आते हैं थोड़े ही संख्या में होंगे, नए विश्वासी जरूर आते पर थोड़े संख्या में होते, लेकिन यहां पर लिखा है बड़ी संख्या में विश्वासी लोग शामिल होते चले गए। तो अभी क्यों थोड़े संख्या में आ रहे हैं और उस समय क्यों बड़ी संख्या में आ रहे हैं? अभी तो ज्यादा टेक्नोलॉजी है, अभी तो ज्यादा सुविधा से हम लोग प्रचार करते हैं, अभी तो एक ही भीड़ को हम, अगर हजारों लाखों अरबों की भीड़ होंगी तो हम अच्छा अच्छा साउंड सिस्टम से प्रचार कर सकते हैं एक ही बार में, लेकिन नए विश्वासियों की संख्या कितनी होती है? तो उसका कारण यह है कि बाकी सब कुछ तो है, दुनिया डेवलप कर गई तो हम लोगों ने भी उससे ले लिया, लेकिन जो आकर्षण शुरू की कलीसिया में था उसको हमने खो दिया कहीं ना कहीं। और अगर हम चाहते कि सुसमाचार फिर से उस तेजी को पाए, फिर से बहुतायत से सुसमाचार फैल सके, तो हम लोगों को वापस ये चीज चाहिए। इसके बिना सुसमाचार उस रफ्तार से नहीं फैल सकता है, खासतौर से अभी के समय में, जबकि अब बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ में हो गए, हमारे खिलाफ में बोलने वालों की संख्या बहुत है, बहुत लोग हैं, बहुत संगठन है, प्रशासन है, बहुत कुछ है। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे फैल सकते हैं? क्या हम लोग सोचे कि शायद अब नहीं फैल सकते, क्या अब लोग हमारे अंदर शामिल नहीं हो सकते, कलीसिया में शामिल नहीं हो सकते, रफ्तार ऐसी धीमी रहेगी क्या, या हम इसी में एडजस्ट कर ले, हाँ ऐसा ही होता है चलेगा, एक दो आ रहे उतने ही काफी है, या फिर हम कुछ कर सकते हैं। एक तो है कि आपको कहा जा सकता है कि आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो आकर्षण खो गया है उस आकर्षण को वापस लाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हम सुसमाचार के लिए ही प्रयास करते हैं। हालेलुया। और इतने समय से इतनी शिक्षाओं को मैं आपको इसलिए दे रहा था ताकि हम लोग कलीसिया में उस आकर्षण को वापस ला सके, कलीसिया में हम उस आकर्षण को ऐसा वापस ला सके कि संसार के लोग ढूंढते हुए कलीसिया में ही आए। क्योंकि संसार के लोगों की विशेषता इस प्रकार से बताई गई है, यीशु मसीह ने सुसमाचार में बताया था, लोक अर्जित सुसमाचार और उसके अध्याय 6 सुसमाचार और इनमें मुझे लुका के 18 में मिलेगा। में आ जाएंगे, वो वचन है लेकिन उसका दूसरे रूप में उसको दूसरी जगह पर लिखा गया था, मैं उसको ढूंढ रहा था, मत्ती में है, आप लोग ऑलरेडी उसको जानते हैं, मत्ती 6 का 32 और 33
33 आप जानते हैं, मैं 32 को पढ़ना चाहता हूँ। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वहां पर लिखता है कि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातियाँ अर्थात उस समय जो गैर यहूदी थे उनको अन्य जातियाँ कहा जाता था, अभी हम लोग अन्य जातियाँ उनको कह सकते हैं जो यीशु मसीह के नहीं। तो उनकी विशेषता बताई गई है कि वे किन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वे क्या ढूंढते हैं। वे उन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं जो संसार की हैं। तो परमेश्वर को यह मालूम है कि कौन क्या खोजता है, कौन किन वस्तुओं की खोज में रहता है, तो उसको मालूम है कि लोग क्या खोजते हैं। तो अगर जैसे कि मछलियां पकड़ना हो, यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊं। यदि आप कभी मछलियां पकड़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि मछलियों को क्या पसंद है, तो आप उसी के मुताबिक उनके लिए चारा डालते हैं, ठीक है। और चारा डालते हैं और तब फिर मछलियां वहां पर आती हैं और तब आप उनको पकड़ लेते हैं, फंस जाती है मछलियां ना। यदि आप बंसी भी डालें तो कुछ ऐसी चीज डालेंगे जो मछलियों को पसंद है, उसको खाने के लिए आएंगे। अगर जाल डालना चाहें तो जाल डालने से पहले कुछ चीजों को आप डाल देंगे जिसको खाने के लिए मछलियां आ जाए, इकट्ठी हो जाए, और तब जाल डालकर उनको पकड़ लेते हैं। और इसी बात को सुसमाचार में लागू किया गया जब उसने पतरस से कहा कि मेरे पीछे वाले, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। तब मनुष्य क्या देखकर आकर्षित होकर आएगा, कुछ तो आकर्षण होना चाहिए जिसका चारा हमने उनके सामने डाल दिया। अब फिर वो लोग आकर्षित होकर आए और फिर हम उनको फंसा लिए, सांकेतिक रूप से मैं बोल रहा हूं, और हम उनको सुसमाचार के द्वारा हम लोग यीशु मसीह के पास ले आए। तो कुछ तो आकर्षण होना चाहिए जो उनको खींचना चाहिए। और यहां बताया जा रहा है कि अन्य जातियां किन वस्तुओं की खोज में रहती है। तो अगर मछली को जो चीज पसंद है उसकी बजाय आप दूसरी चीज देंगे, है ना, मछली के सामने आप मिर्च डालेंगे तो मछली थोड़ी ना आएगी, है ना। मछली के सामने आप कोई दूसरे पौष्टिक पदार्थ डाल देंगे, आप बोलेंगे ब्रोकली, और मछली को बताएंगे बहुत पौष्टिक पदार्थ है ना, आदमी को भी दीजिएगा तो खाने से कतराता है, बहुत पौष्टिक है, बोलने से कोई नहीं आएगा। हम लोगों को उसके सामने वही डालना पड़ेगा जो उसको पसंद है, और तब वो वहां पर आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके अंदर की लालसा वहां पर जाकर पूरी होती है। तो परमेश्वर को मालूम है, हम लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि लोगों को अगर हम लाना चाहते, खींचना चाहते हैं, तो हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए जो उसको चाहिए, जो उसके मन में है। और शुरुआत में जब परमेश्वर का राज्य फैल रहा था तो इसी रीति से फैल रहा था। कलीसिया के पास में वो आकर्षण की बातें थी, लोगों के पास जो जरूरत थी उस जरूरत की पूर्ति कलीसिया में मिल रही थी। तो कलीसिया में वो भरपूरी दिखनी चाहिए जिसको पाने के लिए लोग आ सके। शुरू में तो गलत उद्देश्य से लोग आएंगे, चारा खाने के लिए, बाद में हम लोग उनको यीशु मसीह के लिए ले लेंगे, क्योंकि सुसमाचार का सिस्टम यही, मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा तो मछलियों से अलग नहीं होगा, उसी टाइप का। यीशु मसीह के पास लोग चंगाई पाने के लिए आते थे, यीशु मसीह उनको वचन सुना देते थे, तो उनके पास कुछ और मकसद से आते थे। तो वो सारी आकर्षण की बातें फिर से बरकरार होनी पड़ेंगी कलीसिया में इस समय, तभी जाकर सुसमाचार तेजी पकड़ सकता है। तो ताकि हम लोग सब कोई चंगे रहें, इसलिए कि हम लोग ऐसा रह सके, मैंने चंगाई से संबंधित बातों को आपको बताया है ना, दुष्ट आत्माओं पर हम लोग राज्य करें इसलिए मैंने उससे संबंधित वचन आपको बताया है। और मैंने एक बार इसका भी बताया था, जिक्र किया था कि कलीसिया में परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग किसी प्रकार की घटी में रहें, लेकिन आज फिर से एक बार हम लोग उस बात पर गौर करेंगे कि कलीसिया में कोई भी निर्धन नहीं था। क्या हम लोग वापस उस स्थिति को पा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति से हम पूछें, यहाँ तक कि वो कलीसिया का हो, हम उसको पूछें कि क्या यह संभव है कि अभी जब कलीसिया में इतने सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे, तो क्या यह संभव है कि ऐसी स्थिति वापस लाई जाए कि इतने सारे लोगों में से एक भी आदमी निर्धन ना निकले? तो जो साधारण कोई आदमी होगा वो बोलेगा कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। अगर हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो हम पाएंगे कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम परमेश्वर की सहायता से सोचेंगे, अगर हम पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो सकता है इसके लिए परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया।
मैंने एक बात को परमेश्वर से सीखा है कि अगर आप कोई काम करना चाहते, कोई असंभव काम जो दुनिया की नजर में असंभव है, उसको आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको संभव की नजर से देखिए। पहले ही आप उसको असंभव मान लेंगे तो कभी आपसे नहीं होगा। इस दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं, आप पहले ही हार मान गए तो आप उसको कभी नहीं कर पाए ना। बच्चे शुरुआत में हार मान जाते हैं, मैथ्स हमसे नहीं होगा, फिर नहीं होता है। तो पहले ही हार मान गए तो नहीं होगा। उसी प्रकार जब ये बात आती है तो आपके सामने सवाल होगा, होगा कि नहीं होगा, संभव है कि नहीं होगा, तब आपका दिमाग जवाब दे सकता है कि कभी नहीं होगा, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के विषय में बातें करते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम लोग उस परमेश्वर की तरफ से आते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। हम लोग उस परमेश्वर की तरफ से आते हैं जो कहता है सोना भी मेरा और चांदी भी मेरी है। जो हम लोगों से कहता है कि तुम मेरे संगी वारिस हो, यीशु मसीह के संगी वारिस हो, जिसने कहा है कि क्या जगत, क्या जीवन, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या मरण, सब कुछ तुम्हारा है। हम लोग उस परमेश्वर की तरफ से आते हैं, और जब हम इतना जानते हैं उसके बाद हमारे सामने ये सवाल हो कि क्या ये संभव है कि हम लोग उस अवस्था को वापस पाएं, तो अगर हम इन वचनों के साथ में देखें तो हमारा जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल संभव है। हालेलुया। बाइबल में कोई भी आश्चर्य कर्म जब आप पढ़ेंगे तो उस आश्चर्य कर्म को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया तो उस व्यक्ति के विश्वास को इस्तेमाल किया गया। पहले उस व्यक्ति ने देखा कि असंभव चीज संभव हो सकता है, असंभव चीज संभव हो सकती है, और तब जाकर परमेश्वर की सामर्थ्य ने उनकी सहायता की और वे कर पाए। जब इसराइली मिस्र से निकल कर आ रहे थे और कनान की सीमा पर आए और अंदर उन्होंने देखा कि वहां पर नपीली जाति के लोग रहते हैं, अनाथ वंशी रहते हैं, और वे हट्टे कट्टे हैं, लड़ने में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, शुरू में ही हार मान गए, और हार मान गए तो हार गए। लेकिन दो लोग वहां पर विश्वास करने वाले थे, उनमें से एक का नाम था यहोशू और एक का नाम था कालेब। और ये लोग जाकर भेद लेकर लौटे थे, बकायदा उन लोगों को नाप नाप कर उन्होंने देखा था, लेकिन वे आ करके कह रहे थे कि परमेश्वर हमारे साथ में है, इसलिए हम लोग अभी लड़ेंगे तो अभी उनको हरा देंगे, अभी हम लोग जीत लेंगे, वे हमारे लिए रोटी ठहरेंगे। जब रोटी को क्या करते, खा लेते, चबा डालते, हम लोग उनको ऐसे इतनी आसानी से निगल जाएंगे, वे इतने डिलडोल के हैं तो क्या क्या डर है, परमेश्वर हमारे साथ में है, हम लोग उसके साथ में हम लोग जीत सकते हैं, ये निश्चयता उनके साथ में थी। भीड़ ने साथ नहीं दिया, जिसका नतीजा उनको वेट करना पड़ा लंबे समय तक। लेकिन लंबे समय तक जब उन्होंने वेट किया तो हम लोग पाते हैं कि उसी विश्वास की बदौलत जो यहोशू था, उसने 31 राजाओं को पराजित किया। हालेलुया। और जो कालेब था, कालेब का क्या हुआ, कालेब के बारे जानते हैं, थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। यहोशू की पुस्तक में आइए, यहोशू की पुस्तक और उसके अध्याय 14, यहोशू की पुस्तक और उसके अध्याय 14, और वहां पर आप पद 6 के ऊपर, आपके BSI बाइबल होगी तो वहां पर हेडिंग लिखा हुआ मिलेगा, कालेब को हेब्रोन का दिया जाना। ठीक है, पेज नंबर आपको मालूम होगा 279, पुरानी नई बाइबल में यहोशू की पुस्तक अध्याय 14। तो वहां पर ऐसा है, देखिए पद 6 से देखिए, लिखता है, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। तो यहोशू तो जानता ही होगा, क्योंकि यहोशू और कालेब दो ही जन तो थे जिन्होंने विश्वास किया था। तो ये अब काफी दिन बीत गए हैं। देखिए, जब यहाँ पर कादेश बरने का वर्णन है तो ये उस समय का वर्णन है जब लोग मिस्र से निकलकर लगभग 1 साल बिताए थे, तब की बात है। और उनके इनकार करने पर, उनके अविश्वास करने पर, फिर उनको 40 साल तक चक्कर काटना पड़ा था, कम से कम 40 साल। और उसके बाद 40 सालों के बाद में अब लोग एक एक करके कनान के राजाओं को जीतते चले गए, घुसते चले गए। तो अभी 40 से ज्यादा साल बीत गए हैं, लगभग 45 साल बीत गए हैं। और उस समय कालेब जवान था, उस समय यहोशू जवान था,
और अब कालेब यहोशू को याद दिला रहा है, तुमको याद होगा उस समय मूसा के समय में ऐसा क्या हुआ था। और तब यहोवा के दास पदसात, तब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, मैं 40 वर्ष का था जिस समय मैं भेद लेने के लिए आया था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश किया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तो उसने कहा कि याद है आज से सालों पहले जब मैं 40 साल का था, तुम भी थे मैं भी था, हम लोग भेद लेने के लिए गए थे, और बाकी जो 10 जासूस थे वे लोग अविश्वास की बातें बोल रहे थे, लेकिन मैं सच्ची रीति से परमेश्वर के लिए संदेश लेकर आया था, और तुम भी थे, तुमको मालूम है। ओ भूमिका बांध रहा है क्योंकि यहोशू से कुछ मांगना चाहता है, क्योंकि अभी यहोशू लीडर है, मूसा तो मर चुका है, यहोशू से कुछ मांगना चाहता है, और इसीलिए फिर वो कह रहा है, उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। मूसा ने मुझसे कहा था, मैं तुमको याद दिला रहा हूं। और पद 10 से देखिए, और अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। तो सोचिए इसकी आयु कितनी हो गई होगी, 85। जब मैं वहां गया था तो 40 वर्ष का था, अब देखो 45 वर्ष बीत चुके हैं जिनमें इसराइली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। 85 वर्ष का हूँ मतलब 40 वर्ष का आदमी 85 वर्ष का आदमी, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों के शरीर में जो ताकत होगी दोनों में बहुत अंतर है, जितना बल। लेकिन यह कालेब का कहना क्या है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी, तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है यहोवा मेरे संग रहे और मैं उसके कहने के अनुसार उन्हें उनके देश से निकाल दूं। उसने कहा कि मुझे वही पहाड़ी चाहिए जहां पर अनाक वंशी रहते हैं, जिसको देखकर लोग डर गए थे, जिसको देखकर लोग रोने शुरू कर दिए थे, कांप रहे थे, वापस मिस्र को लौट रहे थे, मुझे वही पहाड़ी चाहिए, परमेश्वर की सहायता से मैं उनको वहां से निकाल दूंगा। उस समय मैं 40 साल का था, मेरे शरीर में कुछ ताकत थी, अब मैं 85 साल का हूं, लेकिन मुझे वही पहाड़ी चाहिए। कालेब के विश्वास को आप देख सकते हैं, जब उसके वो कह रहा है कि अब मेरे शरीर में वही ताकत है, मैं 85 साल का आदमी, अभी की तुलना में आप बात करेंगे तो वो ताकत नहीं होती, लेकिन पुराने समय हो सकता आपके दिमाग में ये हो कि पुराने समय में 85 साल वाले लोग भी बहुत ताकतवर होते होंगे, तो मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ, वचन से दूर कर देता हूँ। ये जो घटना है कब की घटना है, मूसा के मर जाने के बाद की घटना है, ठीक है। तो हम लोग भजन संहिता में एक गीत पढ़ेंगे, भजन संहिता 90, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि 90 के ऊपर में जो कुछ हेडिंग्स है आप उसको पढ़ें, ताकि आप उस गीत के लेखक के बारे में जान जाएं। भजन संहिता अध्याय 90 और उसके पद हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन 90 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है आपके बाइबल में दिखाई देगा, आप पढ़िए, पढ़कर बताइए क्या लिखा है। परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना, मतलब ये जो भजन संहिता 90 है इसको किसी और ने नहीं, मूसा ने लिखा था, और लोगों का कहना है कि ये उसने इस गीत को तब लिखा था, जो पुराने यहूदी विद्वान है उनका कहना उस गीत को उसने तब लिखा था जब वे लोग मिस्र से निकल रहे थे, जिस समय फसा का मेमना बलिदान किया गया था पहिलौठों की मृत्यु से पहले, उस समय उसने ये गीत लिखा था, भजन संहिता 90:91। और जब गीत लिखा था मूसा ने लिखा था, और सोचिए मूसा अगर कोई गीत लिख रहा है उसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई है, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन जो यहोशू और कालेब है वो मूसा के बाद के जमाने के। अब मूसा क्या लिखता है, मूसा लिखता है पद 10 को देखिए, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं,
तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। हमारी आयु 70 साल की होती है, ज्यादा एक्सरसाइज करके 80 भी हो जाए तो उसके बाद फिर कमजोर होकर मर ही जाते हैं। ये मूसा लिख रहा है, मतलब मूसा के दिनों में जो हकीकत है उसको मूसा लिख रहा है कि हम लोग अमूमन 70 साल जीते हैं, कोई तो 80 साल जीता है, हट्टा कट्टा रहता है कैसे करके। और देखो कालेब तो 85 साल का है, लेकिन अभी वो कह रहा है कि मेरे शरीर में उतनी ही ताकत है जितना मैं 40 साल का था तब थी। इसका मतलब वो अपने शरीर के हिसाब से बात नहीं कर रहा, वो विश्वास के हिसाब से बात कर रहा है। हालेलुया। और सोचे 85 साल का बूढ़ा कालेब कह रहा है कि मुझे वही पहाड़ी चाहिए जिसमें अनाक वंशी रहते, जिसमें गढ़ वाले नगर है, और मैं उनको वहां से निकाल दूंगा और वो स्थान मेरा हो जाएगा, मुझे वही चाहिए। उसने यहोशू से कहा, यहोशू ने उसको परमिशन दे दी। फिर आगे आप यहोशू में पढ़ लीजिएगा, कालेब ने उनको वहां से निकाल दिया, उनको जीत लिया, वो जगह उसकी हो। कालेब के अपने शरीर में वो बल नहीं था, मूसा की साक्षी को पढ़ लीजिए, लेकिन उसने विश्वास से देखा, जो असंभव था उसने उसको संभव की दृष्टि से देखा, और जब संभव की दृष्टि से देखा तो उसने देखा कि ये हो सकता है, और जब उसने देखा कि ये हो सकता है उसने उसी हिसाब से बातचीत की। पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि जो बलहीन है वह भी कहे मैं वीर हूं। पुराने नियम में ये लिखा गया था, योएल 3:10, जो बलहीन है वह भी कहे मैं वीर हूं। तो अगर आप कोई असंभव काम करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, तो आप सबसे पहले उसको संभव देखिए। अगर आप कमजोर महसूस करते हैं तो आप अपनी कमजोरी पर मेडिटेट मत कीजिए, उस पर ध्यान मत कीजिए, लेकिन जो सामर्थ्य है उस पर ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध की गई ताकत है उस पर ध्यान दीजिए, जो उसका अनुग्रह उस पर ध्यान दीजिए, जो उसने आपके लिए किया है उस पर ध्यान दीजिए। और जब आप उस पर ध्यान करेंगे आपके अंदर का विश्वास ऊंचाई पर होगा। सोचे कालेब कितना अच्छा व्यक्ति था, उसके पास तो परमेश्वर का वचन भी ढंग से नहीं था, वो तो यहोशू के पास था। यहोशू को दिया गया था और कहा गया व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, एक ही कॉपी थी वहां पर, है ना, व्यवस्था की एक ही कॉपी थी और वो भी यहोशू के कस्टडी में थी, वो तो सबको नहीं बांट सकता, फोटोकॉपी तो होता नहीं था। कालेब के पास वो भी नहीं है, लेकिन कालेब को दो चार वचन जो परमेश्वर की तरफ से मिले थे, या मूसा ने कहा था, या जो उसने पहाड़ पर से सुना था, या जो भी बातें थी उन्हीं बातों का ध्यान था, या जो कुछ उसने परमेश्वर को करते हुए देखा था उन्हीं बातों का ध्यान था, लेकिन उतना तो बाकी इसराइलियों ने भी देखा था। लेकिन कालेब की खासियत ये हो गई कि उसने उन बातों के अनुसार मन लगाया, और जब मन लगाया तो उसने असंभव को संभव की दृष्टि से देखा, और जब संभव की दृष्टि से देखा तब उसके लिए वो संभव हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ उसके लिए प्रकट हो गई। उसी प्रकार से हम कलीसिया को वापस उस स्थिति में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी ये होगा कि हम सब के सब उस दृष्टि से देखना शुरू करें। मैं बड़ी मेहनत से इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे एक व्यक्ति के देखने की बात नहीं, मैं चाहता हूं कि सारे लोग देखें। जब एक व्यक्ति के दृष्टि से यह हो सकता है तो सारे लोग जब देखेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। जब एक के विश्वास करने से इतना कुछ संभव है तो 100 के विश्वास करने से क्या नहीं संभव है, सब कुछ संभव। तो इसलिए मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन बातों को देखना शुरू कीजिए, और इन बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन की जरूरतों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह रहे थे कलीसिया में कोई भी निर्धन नहीं था, और निर्धन नहीं है तो उसके लिए वहां पर एक विशेषता दी गई थी, और वो विशेषता ये थी कि उनकी संपत्ति साझे में थी और कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, लेकिन जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाकर प्रेरितों को देते थे, और प्रेरित जिनकी जरूरत होती थी उनको बांट देते थे। तो कोई धनी था तो उसके पास ज्यादा नहीं रहता था, जो गरीब था उसके पास भी घटी नहीं होती थी क्योंकि उसको दे दिया जाता, और इस प्रकार से समस्या दूर हो जाती थी। इस सिस्टम को वापस कलीसिया में लाने की जरूरत है। अभी हम लोग कलीसिया में जब रहते हैं, मसीह की देह के सदस्य हैं, विश्वासी हैं, हम लोग दान देने के विषय में जब जानते हैं तो हमारे पास जो पारंपरिक शिक्षा है हम लोग उसको जानते हैं। और आपने शब्द सुना होगा दशमांश, मुझे नहीं मालूम आपको उसके विषय में क्या बताया गया है, लेकिन मैंने हर एक शिक्षा जो मुझे दी गई है उसको नाप तौल कर फिर से देखा है। ठीक है, और जो
नई वाचा में सूट नहीं करती, मैं उसको खुलकर बोल देता हूं। तो मैं आपको यह बता दूं कि नई वाचा में दशमांश का कहीं पे कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर आपको दशमांश से संबंधित कोई शिक्षा दी गई है तो पुराने नियम पर आधारित होकर दी गई। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पुराने नियम में दशमांश का सिस्टम था और दशमांश इतना आसान नहीं था कि आप 10,000 कमाते हैं तो उसमें से 1,000 दीजिए। उस समय दशमांश उस रीति से नहीं देते थे। उस समय उनके पास अगर जानवर हैं तो जानवरों की गिनती करते थे, जानवर निकलते जाते, दसवां जानवर मार्क कर दिया जाता, फिर गिनती, फिर दसवां जानवर मार्क कर दिया जाता, फिर वो सारे जानवर परमेश्वर के हो जाते। उसी प्रकार और भी वस्तुएं, ठीक है, जैसे यीशु मसीह कह रहे थे तुम सौंफ और पुदीने और जीरा इन सब का दशमांश देते हो, तो जो भी खेती करते थे हर खेती का, हर जैसे उन्होंने सौंफ की खेती की तो सौंफ की खेती का दसवां अंश निकलना चाहिए, जीरा खेती की तो जीरा की खेती का दसवां, पुदीना लगाया तो पुदीना का दसवां। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था और वे लोग उसको देते थे, उस समय देने का सिस्टम था। और पुराने नियम की जो रीति थी वो थोड़ी अलग है, अभी की रीति से अलग है। पुराने नियम की रीति के मुताबिक जब वे आज्ञाओं को मानेंगे तो आशीष पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए ठहराया गया था, मलाकी की पुस्तक 3:10 में लिखा गया था, परमेश्वर उनसे शिकायत कर रहा था कि तुम लोग दशमांश नहीं ला रहे हो, और उनसे कह रहा था कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मतलब तुम कुछ करोगे उसके एवज में मैं तुम्हें, तुम पर आशीष दूंगा, क्योंकि पुराने नियम का सिस्टम यही था। तो उस समय लोग दशमांश लाते थे, दशमांश देते थे, और दशमांश देने के बाद में परमेश्वर उनको उसके एवज में आशीष देता था। लेकिन नए नियम का सिस्टम बिल्कुल अलग है। आज हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिसके एवज में परमेश्वर हम लोगों को कुछ आशीष देगा। आज हम लोग पैदाइशी आशीषित हैं। अगर हम नया जन्म पाए हैं तो हम आशीषित व्यक्ति हैं। इफिसियों पहला अध्याय उसके 3 पद में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि हमें मसीह में स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी गई है। उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दिया है। तो हमने सब प्रकार की आशीषों को ऑलरेडी पा लिया है, तब हम और क्या पाना चाहते हैं? उस समय दशमांश था कि तुम दोगे तो तुमको उसके एवज में आशीष मिलेगी, लेकिन अब तो है कि हम तो आशीष ऑलरेडी पाए हैं, तब क्या पाने के लिए दशमांश देंगे? और हमने क्या पाया इसको हम लोगों ने रोमियों की पत्री और उसके 8 अध्याय उसके पद 16 में हमने पढ़ा भी था। वहां पर लिखता है कि यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, वरन मसीह के संगी वारिस। तो जो हमारी विरासत है वो छोटी मोटी नहीं है, संगी वारिस है। इसका मतलब है यीशु मसीह का जितना है उतना ही आपका और मेरा भी है, ठीक है? यीशु मसीह का पूरा ब्रह्मांड है तो आपका भी है, क्योंकि आप संगी वारिस हैं। तो अब जरा उसका दसवां हिस्सा कैलकुलेट कीजिए, तो कर सकते हैं। उसने कहा क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या जगत, क्या जीवन, 1 Cor. 3:20-21, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। उसने कहा सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ को साइड रखिए। उसने कहा था क्या जगत, ये धरती, इसी का दसवां हिस्सा कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम लोग अभी उस पोजीशन में नहीं है, उस प्रकार की बातें हमारे साथ नहीं है जो पुराने नियम की बातें थी। इसलिए नए नियम में या नई वाचा में दशमांश की बात को नहीं रखा गया, लेकिन देने की बात को जरूर रखा गया। आज हम लोग देते हैं और कई प्रकार से देते हैं। 3 प्रकार के देने के विषय में बाइबल बताती है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। हम लोग देते हैं आज, और आपको जब ये सुनने का मौका मिल रहा है कि दशमांश का सिस्टम नए नियम में नहीं है, तो आप ये बात सोच करके फ्री मत हो जाइए, अरे ये चलो ठीक है अब देना नहीं पड़ेगा। दशमांश नहीं देना पड़ेगा, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब सिर्फ हम अपनी जिंदगी को नहीं देखते, अब हम दूसरों को देखते हैं, अब हम सारे लोगों को देखते हैं, अब हम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, पूरी कलीसिया को देखते हैं। अब पूरी कलीसिया जब तक उस स्थिति में नहीं आ जाए हम लोग चैन नहीं लेते, तो हम लोग सबको देखना चाहते हैं। तो इसलिए जब कलीसिया को देख रहे हैं तो वहां पर 3 प्रकार के देने के विषय में लिखा गया है।
तो उसमें से एक देना है किसी सेवक के लिए हम देते हैं, जो कोई परमेश्वर का सेवक है, हम लोग उस सेवक को व्यक्तिगत रूप से कुछ भेंट दे सकते हैं। जो कमाई आप करते हैं उसमें से आप उसको भेंट दे सकते हैं, और इसके द्वारा उसको अपने जीवन के लिए सहायता मिलेगी, ताकि वो मन लगाकर परमेश्वर की सेवा कर सके, ताकि उसको दूसरा कुछ करना ना पड़े। ऐसा नहीं कि उसको अपने कमाई के लिए भी आधा ध्यान लगाना पड़ रहा है, आधा समय लगाना पड़ रहा है, और सेवकाई के लिए भी आधा समय, तो पूरा समय नहीं दे पाएगा, अच्छे तरीके से सेवकाई नहीं हो पाएगी, इसलिए सेवक को दिया जाता है। तो कुछ सेवकों को जो फुल टाइम सेवक सेवकाई के लिए आ गए हैं, पूरा जीवन दे दिए हैं, कुछ और रोजगार के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोगों को देना चाहिए, ताकि वे सेवकाई ढंग से कर सकें। हम लोग इससे संबंधित वचन पढ़ सकते हैं फिलिपियों की पत्री और उसके अध्याय 4 में। तो यहां लिखा है पद 16 से, प्रेरित पौलुस फिलिपियों से कहते हैं, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुमने मेरे लिए कुछ भेजा, कुछ दान भेजा, मेरे जो जरूरत पड़ी उसको पूरी करने के लिए तुम लोगों ने भेजा। तो ये हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो ये उस समय का रेफरेंस है जब एक सेवक के लिए दिया जा रहा है, पौलुस प्रेरित के लिए दिया जा रहा है, तो ये उसके लिए दिया गया। तो हम सेवकों के लिए दे सकते हैं, जब हम सेवकों के लिए देते हैं तो समझिए परमेश्वर के लिए ही देते हैं। दूसरा देना जो है वो सेवकाई के लिए देना है, कि मान लीजिए कि कोई सेवकाई है। अब जो सेवकाई है, सेवकाई में खर्च होते हैं, और सेवकाई का खर्च इतना बड़ा है कि कोई अकेले व्यक्ति उसको नहीं उठा सकता है, तो उसके लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है कि वे लोग अपना दें, ताकि हम लोग मिल करके जो खर्च है उसको उठा सके और सेवा पूरी कर सके। तो सेवकाई के लिए हम देते हैं, ये दूसरे प्रकार का देना है कलीसिया के भीतर। हम लोग इसको पढ़ करके देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 8 में और उसके पद 1 से लेकर अगर 3 तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं चाहता हूं कि डिस्प्ले किया जाए और आप एक पढ़ें एक साथ 1 से लेकर 3 तक। इसके बाद वह नगर नगर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि उच्च स्त्रियों का नाम, और उसके पहले यीशु मसीह की सेवकाई का वर्णन है कि यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर और कई जगह घूमते हुए सुसमाचार प्रचार करते थे। तो सेवकाई के दरमियान बहुत प्रकार की जरूरतें भी पड़ती हैं। देखिए, यीशु मसीह के पास में खजाना हुआ करता था थोड़ा बहुत। आपको याद होगा जब 5,000 की भीड़ आ गई तो यीशु मसीह पूछ रहे थे कि इनको कैसे खिलाएं, तो चेले जो थे तुरंत एस्टिमेट करके बताने लगे, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ेगी। मतलब उन्होंने तुरंत काउंट किया होगा हमारा खजाना में कितना 200 दिनार है, ठीक है। तो उनके पास आता था तो कई सारी स्त्रियां थी जो दिया करती थी, ठीक है, और जो खजांची था उनका वो यहूदा इस्करियोती था, ठीक है, उसी के पास में थैली रहती थी। तो उनके पास मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए पैसा दिया जाता था। तो उसी रीति से हम लोग सेवकाई के लिए पैसे दे सकते हैं, क्योंकि हम जब सेवकाई के लिए काम कर रहे हैं तो समझिए हम एक प्रकार का बीज बो रहे हैं परमेश्वर के खेत में। हम परमेश्वर के काम को जिम्मेदारी के साथ अपने ऊपर लिए हुए, हम लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करना नहीं चाहते, हम लोग अब बड़े हो जाना चाहते हैं। पिछली बार हम लोग सीख रहे थे मैच्योर होने के लिए, क्रिश्चियन मैच्योरिटी, परिपक्व हो जाना। तो परिपक्व हो जाने में क्या है, जब छोटा बच्चा था तो सब पर डिपेंडेंट था, लेकिन जब वो बड़ा हो जाए तो अपेक्षा करते हैं कि वो परिवार की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर एक दिन ले सके। पिता जिस जिम्मेदारी को लेता था उस जिम्मेदारी को एक दिन वो अपने कंधे पर ले सके। तो हम लोग भी जब परिपक्व हो रहे हैं तो हम लोगों को भी जो पिता की सेवकाई है उसको अपने कंधे पर लेना चाहिए,
ताकि हम उसको कंधे पर ले सके, उसकी सेवकाई आगे बढ़ सके, जो कुछ इस पृथ्वी पर वो चाहता है उसको हम पूरा कर सके। हम लोग सिर्फ प्रार्थना करते ना रहे कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी हो, है ना। यीशु मसीह ने इसलिए प्रार्थना करवाया ताकि प्रार्थना करते करते हम लोगों में भी चेतना आ जाए कि भाई हम भी इस्तेमाल हो सकते इच्छा पूरी करने के लिए, ठीक है। और हम लोग इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़कर योगदान दे सकते हैं, और हम लोग दे सकते हैं उसके लिए, दान दे सकते हैं, भेंट दे सकते हैं, ताकि सेवकाई की जा सके। तो ये दूसरे प्रकार का देना है। लेकिन इन दोनों प्रकार के देने से वो बात तक हम लोग नहीं पहुंच सकते कि उनके बीच में कोई भी दरिद्र नहीं था। इसके लिए तीसरे प्रकार का देना कलीसिया में था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग देखना चाहें तो रोमियों की पत्री में से देख सकते हैं, या आप चाहें तो कुरिन्थ, लोग दो जगहों से देखेंगे। रोमियों की पत्री अध्याय 15, उसके पद 25 से देखिए, 25 से ये लिखता है, परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ। पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ। एक्चुअली ये रोम के नाम से चिट्ठी भेज दिया, और वो बोल रहा कि मैं तो जा रहा हूँ यरूशलेम, वहाँ जो पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग कौन लोग हैं? विश्वास करने वाले, वहाँ के जो विश्वासी हैं उनकी सेवकाई के लिए मैं जा रहा हूँ। तो किस प्रकार की सेवकाई? जाकर वचन ही प्रचार करेगा क्या? नहीं, कुछ और बात है। यहाँ लिखता है, क्योंकि मकीदुनिया और अकिया के लोगों को अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातियाँ उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए हैं तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। इसलिए मैं यह काम पूरा करके और उनको यह चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा। उसने कहा, मैं यरूशलेम जा रहा हूँ एक खास सेवकाई के लिए, और वो सेवकाई क्या है? मकीदुनिया और अख्या के लोगों ने कुछ कलेक्शन किया है। किस लिए कलेक्शन किया है? मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, मेरी व्यक्तिगत सेवकाई के लिए नहीं, किसी दूसरी सेवकाई के लिए नहीं, लेकिन यरूशलेम में कुछ लोग निर्धन हैं उनके लिए देने के लिए। तो मेरे पास वो आया है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, मैं उनको दूंगा, फिर वहां से मैं लौट जाऊंगा। तो उस समय जो सिस्टम था, जब लोग साथ में रहते थे, साझे में संपत्ति थी, तब तो जो गरीब थे उनको मिल जाता था। लेकिन जब दूर दूर रहने लगे तब उन्होंने सिस्टम बदल लिया। उन्होंने क्या किया? जिनके पास ज्यादा थे वे लोग जिनके पास कम थे उनके लिए भेजने लगे, विश्वासों के लोगों के हाथों से, ताकि किसी के पास घटी ना रहे, किसी के पास समस्या ना रहे। क्योंकि यहाँ पर यरूशलेम के लोगों के बीच में सताहट हो रही थी, और वहां पर उनको काम करने का अवसर नहीं था, बहुत कुछ नहीं था। बाहर के लोग थोड़ा शांति में जी रहे थे, तो यरूशलेम के अपने लोग जो हैं, अपने विश्वासी लोग जो हैं, मसीही लोग हैं, क्यों वे लोग अभाव में रहे? तो उन्होंने उनके लिए भेजा, और ये सिस्टम बरकरार था वहां पर कई जगहों में। अगर आप कुरिन्थ की पत्री में भी पढ़कर देखिए, अध्याय 16 और उसके पद 1 से पढ़िए, तो लिखता है कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। तो देखिए, गलातिया की कलीसिया में भी सेम सिस्टम था जो सिस्टम कोरिंथ की कलीसिया में स्थापित किया जा रहा है। और वो क्या है? वो उस चंदे के विषय है जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में से जो निर्धन है उनके लिए दिया जाए। तो जो लोग गरीब हैं उनके लिए दिया जाए ये सिस्टम। तो इसलिए कहा जा रहा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। क्योंकि वहां पर कुछ गरीब लोग हैं, अभी उनको अभाव हो रहा है, लोग सता रहे हैं, यहूदी सता रहे हैं, वहां के प्रशासन सता रहे, सरकार सता रहे, तो तुम्हारे सपोर्ट की उनको जरूरत है। तो इसलिए सप्ताह के पहले दिन तुम लोग जब इकट्ठे होते हो तो उनके लिए दिया करो। तो तीसरे प्रकार का जो देना है वो निर्धनों के लिए देना है, तो हम लोग उनके लिए दे सकते हैं। ये लोग देते थे, तो उस समय ये सिस्टम था कि सप्ताह के पहले दिन अर्थात इतवार के दिन जब तुम जमा होते हो, आराधना करते हो, उस समय जब तुम दान इकट्ठा करते हो तो निर्धनों के लिए भी इकट्ठा किया करो। समय के साथ साथ धीरे 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 ये फेड हो गया, गायब हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कलीसिया में एक समय हो गया ऑफरिंग का समय, उस समय ऑफरिंग लेते हैं, फिर देखा गया कि ऑफरिंग में लोग कम देते हैं, तब फिर दशमांश का कॉन्सेप्ट पुराना नियम से ले आया गया, दशमांश दीजिए। लेकिन जो ओरिजिनल टीचिंग है न्यू टेस्टमेंट में या नई वाचा के तहत, वो इस प्रकार से, हम बोझ रखते हैं इसलिए देते हैं,
हम इस लालसा से नहीं देते कि हम देंगे दसवां तो परमेश्वर देगा, नहीं दे रहे हैं तो हमको नहीं दे रहा। अभी हमारे पास जो है वो आत्मिक शब्दों में दिया हुआ है, हम लोग उसको नहीं देखते हैं। संगी वारी से तो कहाँ है, तो क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। क्या जगत क्या जीवन तुम्हारा है, तो कहाँ दिखता नहीं। लेकिन नई वाचा में हमेशा विश्वास इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस विश्वास से देते हैं कि हमारे पास में है। हालेलुया। हम लोग इस हिसाब से नहीं देते कि हम देंगे तो उसके एवज में परमेश्वर मुझे देगा। हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की ओर से आते हैं, हमारे पास में है। और हमारे पास में अगर आंखों से देखने के हिसाब से नहीं भी है तो भी हम देखते हैं कि है, और हम देते हैं विश्वास के साथ। और जब हम विश्वास के साथ उसको देते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास को रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल देता है। हम लोग उस विश्वास का परिणाम देखते हैं, क्योंकि इस नई वाचा के तहत हम जो भी खाएंगे अपने विश्वास का ही खाएंगे, जो भी पाएंगे अपने विश्वास का ही पाएंगे। और निर्धनों के देने के लिए तो पूरे दूसरे कुरिंथ की पत्री में इतना लंबा चौड़ा डिटेल दिया गया है। आमतौर पर लोग इन बातों को कोट करते हैं दान देने के विषय में, शिक्षा देने के लिए, लेकिन निर्धनों के लिए देना है ये नहीं बताते। जबकि जो वचन जहां जिस संदर्भ से उठा रहे हैं वो निर्धनों को देने के लिए लिखा गया है। मैं थोड़ी देर बताकर आपको समाप्त करूं। दूसरा कुरिंथ की पत्री आई और उसके 8वां अध्याय, कुछ एक बातों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पूरे अध्याय को आप पढ़िएगा, पूरा 8वां और 9वां अध्याय दूसरा कुरिंथ की पत्री जब आप पढ़ें तो आप इस बात को स्पष्ट रीति से पाएंगे। दान देने के लिए उभारा जा रहा है, लेकिन किस बात के लिए? क्या उसको सेवकाई के लिए मांग रहा है? क्या सेवक के लिए मांग रहा है? नहीं, वो निर्धनों के लिए मांग रहा है, ताकि वो स्थिति रहे कि उनके बीच में कोई भी निर्धन नहीं था। यहाँ पर हम लोग पढ़कर देखते हैं, पद 1 से 8। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। इनकी जो बाहरी परिस्थिति थी खराब थी, लेकिन इसमें इसके बीच में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी गवाही यह है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, उन्होंने खूब दिया। और इस दान में पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोग भी उनके लिए देना चाहते हैं, जबकि उनकी स्थिति खराब है, उनके बीच में भी क्लेश है, लेकिन वे देना चाहते हैं ताकि उनको लालसा है कि वहां के लोगों के लिए काश हम लोग दे सके। पौलुस है कि ले नहीं रहे, बार बार रिक्वेस्ट करे ले लो ले लो, पर पौलुस उनको लेता है और इनको कुरिंथ वालों को बता रहा है कि भाई देखो वहां के लोग ऐसे दिए हैं। और जैसी आशा हमने की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया है कि जैसा उसने पहले आरंभ किया वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को भी पूरा कर ले। यहाँ दान शब्द आया है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर शब्द आएगा ग्रेस, अनुग्रह। इंग्लिश में देखिए आखिरी एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे, फिनिश न्यू द सेम ग्रेस ऑल्सो, ऊपर में इस दान के काम को भी पूरा, इस अनुग्रह के काम को भी पूरा करें। तो जो पूरा संदर्भ है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पौलुस बोल रहा है कि जो मकिदुनिया के लोग थे वे लोग बड़े क्लेश में थे, फिर भी उन्होंने किसी दूसरे व्यक्तियों की सेवा के लिए दिया, पवित्र लोगों की सेवा के लिए दिया, मतलब उनकी निर्धनता दूर करने के लिए दिया। और मैं चिट्ठी भेजकर तुमको ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, तुम्हारे बीच में क्लेश नहीं, अब तुम लोग अच्छा कमाते हो तो तुम लोग भी दो, ठीक है? इस अनुग्रह के काम में तुम भी सहायता करो, तुम भी लोगों पर अनुग्रह करो। परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया, उसको खुद उसका खर्च उठाया, मतलब जो कीमत लगी परमेश्वर ने अदा किया और आपको फ्री में दिया। जो कीमत अदा करनी थी यीशु मसीह ने अदा कर दिया, और जो हमको मिला वो हमको फ्री में मिला। तो क्या हम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हम कुछ कीमत अदा कर लें, कुछ क्लेश हम सह लें, कुछ घटी हम कर लें, या कुछ सामान हम न खरीदें और हम उनके लिए दे दें जिनको फ्री में मिले? पे हम लोगों ने किया। हालेलुया। ये ठीक यीशु मसीह से काम होगा कि यीशु मसीह ने कीमत अदा की, लोगों को फ्री में मिला। यीशु मसीह ने दर्द उठाया, हम लोगों को फ्री में मिला।
तो हम लोग कुछ दर्द उठा सकते हैं ताकि लोगों को फ्री में मिले। तो जो यीशु मसीह ने किया उसको कहते हैं अनुग्रह, तो जो हम करेंगे उसको भी कहा जाएगा अनुग्रह। हालेलुया। तो हम लोगों पर अनुग्रह करते हैं इस प्रकार से निर्धनों की सेवा के लिए। और इसलिए वो पद 8 में कहता है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इसलिए तुम दो। देखो यीशु मसीह ने भी ऐसे किया, उसने निर्धनता को अपने लिए ले लिया, उसने दर्द को अपने लिए ले लिया ताकि तुमको धनवान बना दे सब बातों में। तो ऐसा ही तुम भी कर सकते हो, उसने उनसे कहा। और आप पूरा संदर्भ पढ़ते जाइए, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन आप एक बात को नोटिस करिएगा यहां पर पढ़ते हुए। जब इतना महत्वपूर्ण देने के विषय में वहां पर लिख रहा है, कहीं पर भी एक बार वो शब्द नहीं आता है दशमांश। अभी तो आ जाना चाहिए था दशमांश शब्द को, कि भाई तुमको अपना दशमांश देना चाहिए, तुम दशमांश दोगे तो उसी से हम लोग दे देंगे। नहीं, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि दशमांश का जो नियम है नई वाचा में कहीं पर फिट ही नहीं किया गया। इसमें किया गया कि हमारा जो हृदय है वो देने वाला हृदय हो, हमारा जो हृदय है वो ऐसा हो जो लोगों को दे सके, उनके लिए रो सके, उनके लिए उंडेल सके। और जो पुराना नियम था वो था कि तुम चाहो मत चाहो, तुमको इच्छा हो ना हो, ये है नियम, करो, रो के करो चाहे हंस के करो। लेकिन अभी जो है, अभी तुम अपने दिल को झांक कर देखो, वहां तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, तुम्हारे अंदर बोझ होगा, और तुम अपने आप को मत रोक सको और तुम दो, प्रेम से भर दो। तो जो पुराना बंधा बंधाया नियम था वहां दशमांश देना था, तो जो नया नियम है क्या हम दशमांश तक रुक सकते हैं? हम लोग उसे बढ़कर दे सकते हैं। हालेलुया। उसने इस प्रकार से कहा, जब हम इस प्रकार से बोलते हैं, उसने कहा कि अभी का सिस्टम ऐसा है, तुम्हारे पास में भरपूरी है तो जिनके लिए घटी है तुम वहां पर देते हो ताकि उनकी घटी दूर हो जाए और वे लोग उन्नति कर जाएं। फिर एक दिन जब वे उन्नति कर जाएंगे, देने की अवस्था में आ जाएंगे, वे लोग किसी और के लिए देंगे। फिर वे लोग उन्नति कर जाएंगे, वे लोग किसी और के लिए देंगे। अगर तुम्हारे पास तब तक घटी हो जाएगी तो वे लोग तुम्हारे लिए देंगे। तो जो चीज तुम कर रहे हो वो तुम बो रहे हो, मानो बीज बो रहे हो, उसकी फसल तुम काटोगे एक दिन। और इसलिए उसने कहा कि 9 अध्याय को देखिए पद 6 से, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। देने के विषय में कह रहा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, लेकिन ये निर्धनों को देने के विषय में बातें कर रहा था। थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, बहुत बोता है बहुत काटेगा, कम से कम दशमांश का जिक्र कर देता, लेकिन नहीं, उसने स्वेच्छा पर छोड़ दिया। आप थोड़ा बो सकते हैं, आप ज्यादा बो सकते हैं, लेकिन जो बो रहे हैं उसी के हिसाब से आपकी कटनी होगी। आपने एक मुट्ठी बोया है तो उतनी सी फसल होगी, उतनी ही कटनी आप काट पाएंगे। आपने ज्यादा बोया है तो ज्यादा फसल होगी, ज्यादा कटनी आप काट पाएंगे। और उसने कहा कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के, ठहरा दिया कि दशमांश तो कुड़ के भी दे सकते हैं, कुड़ कुड़ के, और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है और वह सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है, उसने कहा। तो ये सिस्टम शुरुआत की कलीसिया में था, जिसके वजह से शुरुआत की जो कलीसिया थी उसके विषय नोट किया गया, उनके बीच में कोई भी दरिद्र नहीं था। अभी के समय में हम लोग वो काम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि आपके पास पैसा है तो आप सीधे जमा कर लिए और जाकर दरिद्रों को दे दिए, आप सीधे नहीं कर सकते। ना किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, आपने पैसे दे दिए उन्होंने पैसे उड़ा दिए। अगर हम देना चाहते हैं उनको तब तो कुछ भरोसेमंद तरीके से देना चाहिए ताकि उस पैसे का सदुपयोग हो और वे लोग अपनी निर्धनता से निकल जाए। हमारे बीच में वो सिस्टम नहीं है, बड़े दुख की बात है, शुरू में था, गायब हो गया। हमारी कोशिश है कि हम लोग उस सिस्टम को वापस लेकर आए। हालेलुया। जो कुछ खो गया था पुराने समय में था, बीच में खो गया, मेरी प्रयास से परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है कि हम लोग उस सिस्टम को वापस लेकर आए, ताकि आपके पास में वो अवसर हो जिसके द्वारा हम लोग उनके लिए दे सके। और जब तक वो सिस्टम वापस नहीं आता, आप व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास कर सकते हैं। आप इस प्रकार से सोच सकते हैं
यदि आपके पास आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके देने के लिए, उनके जरूरतों के लिए आपके पास पर्याप्त धन है, उसके अलावा आपके पास है जिसमें से आपको देना है या आपको निकालना भी पड़ेगा, तो आप सोच सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है उसके लिए हम उसको खर्च करें। आप ये सोच सकते हैं क्यों ना मैं किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए मदद कर सकता हूं, या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते तो पांच लोग मिलकर के तो उठा सकते हैं, है ना, किसी किसी से बात करके चलो हम लोग मिलकर के उसकी सहायता करें, और हम लोग उसको हाथ में पैसे देने के बजाय हम कहेंगे कि तुम्हारा जो फीस होगा वो हम लोग पे कर देंगे, इस प्रकार से हम उसकी सहायता कर सकते हैं, हम उसके निर्धनता से उसको निकाल सकते हैं, उसकी जरूरत में उसको उठा सकते हैं, फिर एक दिन जब वो खड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो हमारी सहायता करेगा या किसी और की सहायता करेगा। तो हम लोगों को इस मेंटालिटी को रखना पड़ेगा, इस सोच को अपने अंदर में रखिए, और यदि अभी आपको लगता है कि मेरे पास उतना नहीं है कि मैं दे सकूं, आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके पास ऐसा स्रोत दे कि आप एक दिन ऐसा दे सके। हालेलुया। क्योंकि हम लोगों को देना चाहिए, हम ऐसा देना चाहिए कि हम दे और वापस हम उस स्थिति को ले आए। तो इस मानसिकता को अपने अंदर में ले आए, इस बात पर बार बार सोचिए, या आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आप किसी प्रकार की घटी में हो, और आपको अगर कोई व्यक्ति, सोचिए अगर कोई व्यक्ति, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं कि मुझे सहायता चाहिए मुझे दो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मेरी घटी है, लेकिन परमेश्वर किसी व्यक्ति को उभारता है, वो आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए देता है, तो क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे? बहुत ऐसा धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर भी वही चीज था, देखिए यहां पर क्या क्या कहा गया है, हम लोग इसको पढ़कर समाप्त करते हैं। पद 12 9 के 12 यह लिखता है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। ये जो देने का काम है निर्धनों के लिए देना, इससे न सिर्फ उनकी आवश्यकताएं पूरी होती, उनकी आवश्यकताएं तो पूरी होंगी, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि जिसको जरूरत थी उसने परमेश्वर से मांगा था और उसको किसी दूसरे माध्यम से उसको मिल गया, तो परमेश्वर का धन्यवाद क्यों ना करे? वो घटी में क्यों तरसता रहेगा, वो क्यों कुड़कुड़ाता रहेगा, या क्यों उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वो उसके बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करेगा कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना, अपने लोगों को उभारा, मेरे लिए दिया। तो हम लोग इस काम को कर सकते हैं, मैं इस सोच को आपके बीच में डाल रहा हूं ताकि आप जब आगे बढ़े तो इस बात को सोचिए, और जब हम इस काम को करें तो समझिए परमेश्वर ही की सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार ही की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो आकर्षण था उसमें यह था उनमें से एक भी दरिद्र नहीं था, और वो आकर्षण लोगों को खींचता था परमेश्वर के पास, वो आकर्षण लोगों को खींच लाता था, वो आकर्षण अभी भी लोगों को खींच लाएगा, हम लोगों को बस उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, जो असंभव है उसको संभव देखिए, फिर आप आगे बढ़िए, और आपके पास जब हो आप खुल कर दीजिए, खुल कर दीजिए, आप जब देते हैं परमेश्वर उसको देखता है, आपके विश्वास के अनुसार देखता है, आपके मन के अनुसार देखता है, उसका प्रतिफल यहां भी होगा बाद में भी होगा। तो परमेश्वर आपकी सहायता करे, आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए है कि तूने हमारी घटी में हमारी सहायता की। हमने यीशु मसीह को देखा जिसने हमारे लिए तकलीफ उठाई, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए कीमत अदा की ताकि हमें मुफ्त में सारी चीज़ें मिल जाए। प्रभु, हम तेरे उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, लेकिन तूने दूसरे प्रकार के अनुग्रह करने के लिए हमसे कहा है कि हम उस कीमत को चुकाएं, हम उस तकलीफ को सह लें ताकि दूसरे लोग मुफ्त में पा सकें। पिता, इस अनुग्रह के काम में सहायता करने के लिए हमें से हर एक जन को उभारिए, बातचीत कीजिए, सहायता कीजिए ताकि हम दे सके। पिता, जो तीन प्रकार के देने के विषय में तूने सिखाया है, सेवकों को देने के विषय है, सेवकाइयों को देने के विषय है, और दरिद्रों को देने के विषय है, हम उसको कर सकें और कलीसिया में से उस गरीबी को हटा सकें और हम उस आकर्षण को वापस ला सकें जो पहली शताब्दी की कलीसिया में था, हम उसको वापस स्थापित कर सकें जिससे कि सुसमाचार की बढ़ती होने पाए। हमने पढ़ा वहाँ बड़ी संख्या में लोग कलीसिया में मिलते चले जाते थे। पिता, वो आकर्षण हम फिर से देखना चाहते हैं,
हम उस आकर्षण को फिर से देखना चाहते हैं, हमें इस्तेमाल कीजिए उस आकर्षण को वापस लाने में, ताकि हम उस काम को कर सकें और तेरी योजना पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।